चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए, ट्राई हेलेन। ये कंप्लीट हो गए हैं डायलाइट भी, नेक्स्ट मेंशन कीजिए ट्राई हेलाइट। ट्राई हेलाइड, और ट्राई हेलाइड क्या है? CH X3, जिसे हम बोलते हैं हेलोफोन, हेलोफोन। और इसमें क्या क्या है तुम्हारे पास में? CHF3, CHCl3, CHBr3 और CHI3। मेंशन कर लीजिए, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिया होगा इसमें, मेंशन कीजिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। उसमें फर्स्ट मेंशन कीजिए हेलो फॉर्म रिएक्शन, इम्पोर्टेंट डाल देना इसको, हेलो फॉर्म रिएक्शन इम्पोर्टेंट डाल देना भैया इसको, हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, अब ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देते कौन है? सबसे पहले यहाँ पर ये जरूरी है जानना, तो यहाँ पर लिखना कि कंपाउंड पजेज हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा कौन? कंपाउंड पजेज CO CH3, CHOH CH3। मतलब ग्रुप देखो कौन कौन से यहाँ प्रेजेंट हैं, CHX CH3, COH और XCH3, CXX और यहाँ पर CH3। कंपाउंड पजेज ग्रुप गिव्स हेलो फॉर्म रिएक्शन। ये ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए तो क्या हो जाएगा? हेलो फॉर्म रिएक्शन वो देगा। जैसे मैं बात करूँ कि तुम्हारे पास में, समझना बात को, कि यहाँ पे तुम्हारे पास में ये RCO और ये है क्या है? CH3 है, समझना बात को। तो ये जो R है, ये R इस कंडीशन में हो सकता है H हो सकता है ये आर एल्किल हो सकता है ये एरिल ग्रुप हो, ये भी मेंशन कर लो, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर हेलो फॉर्म रिएक्शन दे रहे हैं। ये तो सबने बना ही लिया होगा, अब देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा समझना अच्छे से।
यहाँ पर मैंने मेंशन किया क्या भाई, सी एस थ्री सी ओ और एच, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? यस, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि यहाँ पे सी एस थ्री सी ओ ग्रुप प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों से पूछा क्या एच सी ओ एच हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या, मैं बोलूँगा नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर सी एस थ्री नहीं है। फिर मैंने बोला सी सिक्स एच फाइव सी ओ और यहाँ पर एच, बोले ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे सी ओ सी एस थ्री ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है। मैंने पूछा सी सिक्स एच फाइव सी ओ और यहाँ पर सी एस थ्री, बोले ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या? बोले देगा क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, एल्किल भी हो सकता है, एरिल भी हो सकता है। मैंने पूछा सी सिक्स एच फाइव सी एच यहाँ पर ओ एच और यहाँ पर है सी एस थ्री, बोले ये देगा क्या? यस, ये देगा क्योंकि इसमें सी एस थ्री सी एच ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमने देखा कि तुम्हारे पास में है सी एस थ्री सी एच, यहाँ पर है सी एस थ्री, यहाँ है ओ एच, बोले ये देगा क्या? यस देगा। तो आपको ये भी पता चल गया कि कौन देंगे कौन नहीं देंगे, ये भी बना लीजिए एक बार। ठीक है, फिर इसमें मेंशन कीजिए रिएजेंट फॉर, रिएजेंट फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। रिएजेंट फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन रिएजेंट फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है ना। और इसके लिए जो रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट आप क्या बोलोगे, एक्स टू प्लस एन ए ओ एच, ये रिएजेंट हो सकता है तुम्हारे पास में, ठीक है ना। सेकेंड तुम्हारे पास में जो रिएजेंट होगा वो हम लेंगे सी ए सी एल टू सी ए ओ सी एल टू, ठीक है, इसे बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और इसके साथ में आपको लेना पड़ेगा एच टू ओ सी ए ओ सी एल टू, यस या नो। सी ए ओ क्या होगा, सी ए ओ सी एल और यहाँ पर क्या है सी एल, यही तो है ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड तुम्हारे पास में यहाँ पर जो रिएजेंट लेंगे अपन वो है आई टू प्लस एन ए टू सी ओ थ्री, ये तुम्हारे पास में किस क्या है, रिएजेंट है हेलोफॉर्म रिएक्शन की, देख लीजिए एक बार। चलिए अपन आगे नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एक्स टू ओ एच माइनस, हेलोफॉर्म रिएक्शन देखेंगे इसमें रिएक्शन विथ एक्स टू ओ एच माइनस। फर्स्ट देखिए रिएक्शन विथ एक्स टू ओ एच माइनस, सब कुछ पढ़ने के बाद में आपने इसके साथ रिएक्शन करवानी है। और मैंने लिया यहाँ पर सी एस थ्री सी ओ और ये है सी एस थ्री, ये मैंने रिएजेंट मेंशन कर लिया। इसको मैं क्या मान लेता हूँ, अभी आर मान लेता हूँ। इसके साथ में यदि रिएक्शन करवानी है मुझे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लूँगा, एक्स टू ओ एच माइनस यदि मैंने लिया तो यहाँ बनेगा आपके पास में, तुम्हारे पास में सी ओ माइनस प्लस सी एच एक्स थ्री। आई बात समझ, ये तुम्हारे पास में यहाँ पे बनेगा, या मैं बोल दूँ कि सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम सोल्ट ऑफ, सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा।
और यदि मैंने इसकी रिएक्शन बेस के साथ मतलब एसिड के साथ में करवा दी तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये तो बनाइए, फिर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। बना लिया होगा, मैकेनिज्म देखिए इसको। मैकेनिज्म क्या होगा मैकेनिज्म में कि ये तुम्हारे पास में RCU और यहाँ पर है CH3, बेस के साथ में जब रिएक्शन होगी तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा, H+ निकालेगा, तो तुम्हारे पास में बना RCO और यहाँ पर है CH2-। फिर क्या होगा, यहाँ पर X और X है, ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, यहाँ से X क्या निकला, बाहर निकला, RCO तुम्हारे पास में बन गया CH2X। फिर फाइनली आपने क्या लिया, बेस लिया, दैट मीन्स X2OH- फिर लिया, तो एक मोल फिर लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, H बाहर निकलेगा, X जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, RCO CH और X2। फिर यहाँ पर एक मोल आपने O लेना है, जिससे तुम्हारे पास में बनेगा RCO और यहाँ पर क्या है CH3। अब बेस आएगा, तो बेस आएगा तो अब इसके पास में क्या है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, अटैक करेगा, तो तुम्हारे पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो गए, O-, यहाँ पर है ये OH CaX3, ये क्या करेगा, ये यहाँ CX3 यहाँ से क्या निकलेगा बाहर, तो तुम्हारे पास में फॉर्मेशन होगा RCO OH प्लस CX3, कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। आप लोगों को पता है ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस CH3। अब मीडियम यदि तुमने इसको एसिडिक कर दिया तो फिर मीडियम को एसिडिक करने के बाद भी RCWH में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में बनेगा यहाँ पे हेलोफॉर्म CH3। ये इसके कंप्लीट मैकेनिज्म है, बना लीजिए एक बार इसको। चलिए अपन आगे आगे देखिए। अब ये तो हेलोफॉर्म की बात होगी, अब इसमें मेंशन कीजिए फर्स्ट क्लोरोफॉर्म, अलग अलग अपन बात करेंगे, फर्स्ट अपन बात करेंगे क्लोरोफॉर्म की।
क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे। फर्स्ट अपन बात करेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ठीक है, और क्लोरोफॉर्म क्या है, CH Cl3। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मैंने कहा निर्माण की विधियाँ, और इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वही होगी कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। फर्स्ट होगी बाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। है बात समझ में? और इसमें फर्स्ट अपन देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर फर्स्ट क्या देखेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हेलोफॉर्म जो रिएक्शन है वो किसके द्वारा दी जा रही है, कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा। यहाँ पे मैंने मान लिया RCO और CH3, और यहाँ पे जो रिएक्शन आप करवाओगे वो करवाया आपने Cl2NaOH के साथ में। इसके साथ में आपने जब रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में बना RCOO-Na+CHCl3। ये किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लोरोफॉर्म का। एक बार ये बनाइए फिर अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म सेम होगी इसकी जो अभी तक आपने अभी देखा था, बस वहाँ पे X था, यहाँ पर Cl2 है। RCOCH3 इसकी रिएक्शन आपने OH- के साथ में करवाई तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, क्या बना RCO, यहाँ पर CH2, और ये क्या भैया नेगेटिव। फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, Cl2 के साथ में, ये क्या करेगा यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या निकला बाहर तो बना RCOCH2 और यहाँ पर बन गया Cl। फिर इसकी दो मोल Cl2 मतलब टू इक्विवेलेंट मैंने रिएक्शन की, Cl2 और यहाँ पर क्या है OH-। ठीक है, टू इक्विवेलेंट अपन ने यहाँ पर एक साथ यूज किया। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं कि दो KOH आपने लिया है और साथ में क्या ले लिया, Cl2 आपने लिया यहाँ पे। ठीक है, तो रिएक्शन जब होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCO और CCl3, यही तो बना। फिर आपने OH- के साथ जब रिएक्शन की तो ये यहाँ पे जब अटैक करेगा, समझना बात को, कि जब इसने यहाँ पर अटैक किया तो अटैक किया से यहाँ से CCl3 बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो क्या बना RCOH+CCl3, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, और आपको पता है ज़्यादा एसिडिक होता है इस वजह से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो क्या बना RCOO-+CHCl3, किसका फॉर्मेशन हुआ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। बना लीजिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। बना लो भैया फटाफट इसको।
चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल नेक्स्ट आप मेंशन कीजिए फ्रॉम एल्कोहल के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन होंगे, मतलब इसी के अंदर सेकेंड कार्बन हेलोफॉर्म रिएक्शन के अंदर सेकेंड फ्रॉम एल्कोहल। और यहां पर फर्स्ट आप देखोगे रिएक्शन विथ Cl2NaOH, इसके साथ में रिएक्शन करवाई Cl2NaOH के साथ में। यहाँ पर होगा क्या कि तुम्हारे पास में है RCH, ठीक है, और यहाँ पर है CH3OH, कि क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? यस, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। आपने Cl2OH- के साथ में यदि रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में ये RCW- प्लस CHCl3 का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। क्या होगा यहाँ से RCHOH और यहाँ पर है CH3, ये OH- क्या करेगा, OH- यहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये हाइड्रोजन ले गया तो यहाँ पे क्या बना RCOH, यहाँ पॉजिटिव और ये CH3, सबसे पहले तो ये यहाँ आएगा जिससे ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया RCOCH3। अब ये देखिए ये वही कंडीशन बन गई क्या, मतलब सबसे पहले इसको कार्बोनिल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी भी जो तुम्हारे पास में कोई भी जो है वो पहले कार्बोनिल में तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर H2OH- की मैंने एक साथ ही रिएक्शन करवा ली जिससे तुम्हारे पास में क्या बना Cl2, तो तुम्हारे पास में क्या बना RCOCCl3, ये बना। फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, OH- के साथ में रिएक्शन करवाई। जब OH- के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये यहाँ तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में RCWH प्लस CCl3, यहाँ पर नेगेटिव। फाइनली इसकी ये एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक होता है तो ये हाइड्रोजन उस तरफ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा RCW- प्लस CHCl3, ये लीजिए, ये बना लीजिए इसके अंदर। चले आगे, आगे देखिए इस एल्कोहल की, देखो इसके अंदर एल्कोहल में रिएक्शन विथ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है तुम्हारे पास में, यहाँ पर CaCl2, ठीक है। इसके साथ में आप जब रिएक्शन करोगे तो देखिए तुम्हारे पास में होगा क्या, बनेगा क्या, आ रही बात समझ में। तो देखिए कि तुम्हारे पास में मान लीजिए मैंने एल्कोहल में लिया CH3CH2 और यहाँ पर है OH, ये है मेरे पास में, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने CaOCl2 के साथ में, साथ में यहाँ है H2O, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 है ना, यहाँ फॉर्मेशन होगा HCW- प्लस CHCl3 का, ये फॉर्मेशन होगा। ऐसा क्यों होगा, इसका मैकेनिज्म देखिए आप लोग, क्रियाविधि को समझिए कि यहाँ पर CaOCl2 जो है
वो एच टू के साथ में रिएक्शन करेगा और एच टू के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सी ए ओ एच का होल ट्वाइस प्लस यहाँ पर दो सी एल, ये होगा भाई। ठीक है, टू सी एल। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो तुमने लिया सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, इसकी टू सी एल के साथ में आप रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पर बनेगा सी एच थ्री सी एच ओ और साथ में बनेगा तुम्हारे पास में एच सी एल, ये हुआ। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में तुमने रिएक्शन करवाई सी एच थ्री सी ए सी एच थ्री सी एच ओ की रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में रिएक्शन करवाओगे, सिक्स सी एल के साथ में रिएक्शन करवाओगे, किसके साथ में रिएक्शन करवाया, सिक्स सी एल के साथ में रिएक्शन करवाया, जिससे तुम्हारे पास में यहाँ बना सी सी एल थ्री सी एच ओ। यहाँ तक की बात समझ में आनी चाहिए, सी सी एल थ्री सी एच ओ का फॉर्मेशन हो गया। अब तुम्हें तुम्हारे को पता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कौन प्रेजेंट है, एक बार यहाँ तक बना लीजिए फिर अपन बात करेंगे। अब देखिए इसके आगे आप क्या लिखोगे, भाई तुम्हारे पास में ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना कि नहीं बना, यही तो बना। तो यहाँ पे जो सी सी एल थ्री है, सी सी एल थ्री साथ में है सी एच ओ, यहाँ पे भी सी सी एल थ्री और सी एच ओ, ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से तो बाहर निकला सी एच सी एल थ्री सी एच सी एल थ्री, और ये जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिससे तुम्हारे पास में क्या बना सी ए ओ सी ओ एच, ये है। तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, साथ में क्या बना सी एच सी एल थ्री बना लीजिए। ये ब्लीचिंग पाउडर के साथ में रिएक्शन हुई है, समझ लेना पूछ लेता है एग्जाम के अंदर। बना लिया यहाँ पे, यस या नो, तो इसी के साथ में ये इसके ऊपर मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ इसका, कंप्लीट हो गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तो अपन बात कर रहे थे, तो ये तो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे इसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, केमिकल रिएक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे।
देखो भैया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन डिस्कशन करेंगे, और सबसे पहले करेंगे रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2 फोटोकेमिकल। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे में जाना O2 फोटोकेमिकल यानी कि सनलाइट, और इसमें करना मेंशन करना लिखिए इसके अंदर, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स फोजिन PHOSGEN gives phosgene. Next mention na, phosgene also known as carbonyl chloride. Carbonyl chloride. Next mention karna, phosgene are poisonous in nature. पॉइजनस इन नेचर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में O2 के साथ करवाई जाती है तो फोसजीन का निर्माण होता है। फोसजीन को कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, फोसजीन विषैली प्रकृति का होता है। तो तुम्हारे पास में ये जो CHCl3 है, इस CHCl3 की रिएक्शन किसके साथ में करवा दूँ मैं, O2 फोटोकेमिकल के साथ में रिएक्शन करवाया तो तुम्हारे पास में बना फोसजीन। CO यहाँ पर है Cl, और ये भी क्या है Cl, ये क्या है फोसजीन है भैया तुम्हारे पास में। ये पॉइजनस इन नेचर है तुम्हारे पास में, कौन सी नेचर का होता है, पॉइजनस नेचर का होता है। ठीक है, विषैली प्रकृति का ये है, ये तो बना लीजिए। अब ध्यान देना, इसको क्या करते हैं अपन, जो इसका यूज होता है फोसजीन का, इसका फिर हम यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसा नहीं बने, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फोसजीन के अंदर 1% इथाइल एल्कोहल क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिससे तुम्हारे पास में डाई इथाइल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फोसजीन कभी नहीं बन पाएगा। और लिखना इसके बाद में, लिखना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, when 1% इथाइल एल्कोहल एड इन क्लोरोफॉर्म then phosgene are not formed because phosgene react with ethyl alcohol and form diethyl carbonate। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब क्लोरोफॉर्म में 1% इथाइल एल्कोहल मिला दिया जाए तो फोसजीन का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि फोसजीन इथाइल एल्कोहल से अभिक्रिया करके डाई इथाइल कार्बोनेट का निर्माण करता है।
ये लो भैया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बना लीजिए यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ एसीटोन, रिएक्शन विथ एसीटोन। रिएक्शन विथ एसीटोन रिएक्शन विथ एसीटोन हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, एसीटोन के साथ अभिक्रिया, ठीक है। और इसमें लिखना वेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एसीटोन, वेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एसीटोन देन क्लोरेटोन विल बी फॉर्म, देन क्लोरेटोन विल बी फॉर्म, देन क्लोरेटोन विल बी फॉर्म, क्लोरेटोन विल बी फॉर्म्ड। किसका फॉर्मेशन होगा? क्लोरेटोन का फॉर्मेशन होगा। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाई जाती है तो क्लोरेटोन का निर्माण होता है, क्लोरेटोन का निर्माण होता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ? क्लोरेटोन का। क्लोरेटोन का फॉर्मेशन हो गया। आई बात समझे? ठीक है। सॉरी यहाँ पर सी सी एल थ्री आएगा। क्लोरेटोन का फॉर्मेशन हुआ। मैकेनिज्म देखिए, इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि देखिए, विदाउट मैकेनिज्म कुछ नहीं, मैकेनिज्म देखिए कि यहाँ पे CHCl3 है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई? सबसे पहले हमने KOH के साथ में, भाई यहाँ पर जो रिएक्शन होगी यहाँ पर KOH भी क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। इसके साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो ये क्या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा जिससे बना तुम्हारे पास में CCl3-, फिर अपने पास में है CH3CO और यहाँ पर है CH3 जिससे रिएक्शन हुई आप लोगों की CCl3- के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन हुई? CCl3- के साथ में रिएक्शन हुई। ये यहाँ पर अटैक किया इलेक्ट्रॉन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गए जिससे तुम्हारे पास में बना CH3O- CCl3 और CH3। अब मीडियम आपको क्या करना पड़ेगा? एसिडिक करना पड़ेगा जिससे ये O- के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज S+ पे अटैक करेगा, बना CH3OH CH3 CCl3। ये क्लोरीटोन का फॉर्मेशन होगा, बना लीजिए। चलिए अपन आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ HNO3, रिएक्शन विथ HNO3।
रिएक्शन विद HNO3। तो इसमें सबसे पहले मेंशन किया ना, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद HNO3, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद HNO3, देन क्लोरोपिक्रीन विल बी फॉर्म, देन क्लोरोपिक्रीन विल बी फॉर्म, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन विल बी फॉर्म। क्लोरोपिक्रीन विल बी फॉर्म। नेक्स्ट मेंशन करना, क्लोरोपिक्रीन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन, क्लोरोपिक्रीन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लोरोपिक्रीन को ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोपिक्रीन आर ऑल्सो कॉल्ड ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन। क्लोरोपिक्रीन को ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, क्लोरोपिक्रीन आर यूज एज इंसेक्टिसाइड, क्लोरोपिक्रीन आर यूज एज इंसेक्टिसाइड एंड टीयर गैस और वार गैस। युद्ध के अंदर इसको काम में लिया जाता है, वार गैस। तो आप लोगों से पूछ लेना टीयर गैस क्या होती है, वार गैस क्या होती है, तो वो होती है क्लोरोपिक्रीन। अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इस क्लोरोपिक्रीन का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, क्लोरोपिक्रीन को ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमेथेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मेंशन करना, क्लोरोपिक्रीन का उपयोग अश्रु गैस के रूप में किया जाता है, जिसे युद्ध गैस भी कहा जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए कि तुम्हारे पास में है CaCl3 और इसकी रिएक्शन आपने करवाई HNO3 के साथ में, तो तुम्हारे पास में यहाँ बनेगा CCl3 और बनेगा NO2। इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरोपिक्रीन। देखो कैसे हुआ भाई, ये तुम्हारे पास में CCl3 है, यहाँ पर HNO3 में ये है OH और NO2, तो यहाँ से ये क्या निकला, H2 बाहर निकला, जिससे तुम्हारे पास में बना CCl3 और NO2। ये बना लेना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोगों से पूछ ले कि तुम्हारे पास में ये जो वार गैस कौन सी है, तो आप बोलोगे CCl3NO2। तुम्हारे पास में इसका जो फॉर्मूला है वार गैस का, वो है CCl3NO2। मेरे हिसाब से कर लोगे यहाँ तक की बात, आई बात समझ, ठीक है। क्लोरोपिक्रीन बना लो भैया यहाँ तक का। नेक्स्ट मेंशन करना, रिएक्शन विद एजी पाउडर, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ एजी पाउडर। एजी पाउडर के साथ अभिक्रिया, ठीक है। और मेंशन करना कि व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एजी देन एसिटाइलीन विल बी फॉर्म्ड,
एसिटाइलिन विल बी फॉर्म्ड, एसिटाइलिन विल बी फॉर्म्ड। हिंदी मीडियम वाले बच्चे में ना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एजी के साथ करवाई जाती है तो एसिटाइलिन का निर्माण होता है, एसिटाइलिन का निर्माण होता है। चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए, रिएक्शन विथ बेंजीन, रिएक्शन विथ बेंजीन, बेंजीन के साथ अभिक्रिया। और इसमें मेंशन करना, व्हेन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ बेंजीन, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, देन देन ट्राइफेनिल मेथेन विल बी फॉर्म, ट्राइफेनिल मेथेन विल बी फॉर्म, एंड दिस रिएक्शन नोन एज फिडलक्रॉफ्ट रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन नोन एज फिडलक्रॉफ्ट रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एन क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन के साथ करवाई जाती है तो ट्राइफेनिल मेथेन का निर्माण होता है, ट्राइफेनिल मेथेन का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया को फिडलक्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, तथा इस अभिक्रिया को फिडलक्रॉफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। समझना बात को कि ये तुम्हारे पास में है बेंजीन, और इस बेंजीन की रिएक्शन आपने करवाई CaCl3, और साथ में यहाँ पर आपने लिया एनहाइड्रस AlCl3, ठीक। तुम्हारे पास में ये जो इस रिएक्शन के अंदर ये कितने मोल लेने पड़ेंगे आपको, 3 मोल यदि आप यहाँ पे ले रहे हो तो तुम्हारे पास में बना है C6H5, और यहाँ पर C6H5, ये बना ट्राइफेनिल मेथेन। किसका फॉर्मेशन होगा, ट्राइफेनिल मेथेन का फॉर्मेशन होगा। बनाइए यहाँ पर, चलिए अपन आगे देखिए। मैकेनिज्म देखिए इसके, ये AlCl3 के साथ में रिएक्शन करे तो यहाँ से Cl क्या इसके पास में आ जाएगा, तो तुम्हारे पास में बनेगा CaHCl2, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर बना AlCl4-। फिर क्या करेगा, C6H5 में इसे मेंशन कर दूँगा क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ एक बार, तो कंप्लीट ही समझा देता हूँ मैं आपको।
ठीक है, सी एच सी एल टू पॉजिटिव है, इसने यहाँ पर अटैक किया, सी एच सी एल टू यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे गया, क्या बना तुम्हारे पास में, तुम्हारे पास में बना सी एच सी एल टू। तो ऐसे सी एल कितने हैं यहाँ पर, दो है, तो मैं फिर किसके साथ रिएक्शन करवाऊँगा, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने बेंजीन के साथ में, यानी कि सी सिक्स एच सिक्स दो मैंने यहाँ पर ले लिया। आई बात समझ, ए एल सी थ्री भी तुम्हारे पास में यहाँ प्रजेंट है, तो फाइनली ये यहाँ से क्या है, एच सी एल बाहर निकलेगा, तो ये क्या लिख दूँ मैं इसमें, सी सिक्स एच फाइव सी एच सी सिक्स एच फाइव और सी सिक्स एच फाइव, ये हो गया ट्राई फेनिल मेथेन का फॉर्मेशन, बना लीजिए। चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन विथ फिनोल, रिएक्शन विथ फिनोल। रिएक्शन विथ फिनोल तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फिनोल है, फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करे, तो इसमें जो मीडियम होगा वो तुम्हारे पास में होगा KOH, तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिडाइड का फॉर्मेशन होगा। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा, सैलिसिलिडाइड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, सैलिसिलिडाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कैसे हुआ मैकेनिज्म देखिए इसकी, ये है तुम्हारे पास में फिनोल, बेस क्या करेगा, बेस यहाँ से क्या निकलेगा, सॉरी एक बार मैं ऊपर बना लिया ना, क्योंकि फिर नीचे आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको कंप्लीट मिटा दे रहा CHCl3 के साथ में रिएक्शन किया KOH ने, तो तुम्हारे पास में क्या बना CCl2, ठीक है, ये कार्बिन का फॉर्मेशन हो। फिर ये जो फिनोल है, इस फिनोल की बेस के साथ में रिएक्शन हुई, तो तुम्हारे पास में फिनोक्साइड का फॉर्मेशन हो। ये यहाँ पे और ये क्या कर दिया, यहाँ इसने अटैक कर दिया,
CCl2 यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव। फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में बना ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाएगा, ये बना OH और यहाँ पे आ गया CHCl2, सॉरी ये O-। फिर इसकी रिएक्शन करवाई आप लोगों ने एक्वस के OH के साथ में, एक्वस के OH यानी कि मीडियम क्या हो गया, एक्वस के OH के साथ में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में बना यहाँ पर O-CHOH और ये भी क्या है OH। फिर यहाँ पे H प्लस और थर्मल कंडीशन दे दो, H प्लस दोगे तो ये तो बन गया OH, थर्मल कंडीशन से ये क्या निकल जाएगा बाहर, तो क्या बन गया CH, या थर्मल में नहीं दो तब भी यही बनेगा, ये बना लीजिए। चले आगे, इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हुआ। अब मेंशन कीजिए आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म मेंशन कीजिए आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म है वो है CH3, इसमें सबसे पहले मेंशन कीजिए मेथलो प्रिपरेशन, ठीक है। मेथलो प्रिपरेशन में सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे आप रिएक्शन करोगे कि तुम्हारे पास में ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई किसके साथ में, I2OH- के साथ में, तो तुम्हारे पास में क्या बना RCOO- + CHI3। मैकेनिज्म वगैरह इसका सब कुछ आप लोगों को आता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रिएक्शन हुई कार्बन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ये फर्स्ट रिएक्शन हुई। सेकंड इसकी जगह मैं क्या ले लूँ कि RCO सेम यही है CH3 और यहाँ पर हमने ले लिया I2 और Na2CO3, तब भी तुम्हारे पास में क्या बनेगा RCOO- और साथ में बनेगा CHI3। ये लो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बना लीजिए इसको। चले नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। इसकी छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन और इस केमिकल रिएक्शन में आप क्या देखोगे कि फर्स्ट मेंशन करना रिएक्शन विद एजी और लिखना इसमें क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एजी देन एसिटिलीन विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना
सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं आइडोफॉर्म, व्हेन आइडोफॉर्म रिएक्ट विथ एजी देन एसिटिलीन विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बीच मेंशन करना, आइडोफॉर्म जब एजी के साथ अभिक्रिया करता है तो एसिटिलीन का निर्माण होता है। सेकेंड मेंशन करना रिएक्शन विथ ए जी एन ओ, रिएक्शन विथ ए जी एन ओ थ्री, ए जी थ्री ठीक है। ए जी एन ओ थ्री के साथ में जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे देखना, यहाँ है सी एच आई थ्री और इसकी ए जी एन ओ थ्री के साथ में आपने रिएक्शन की, तो ए जी एन ओ थ्री के साथ में जब रिएक्शन करोगे तो यहाँ पर ए जी आई बनेगा, येलो पी पी टी का फॉर्मेशन होगा। ये थोड़ा सा ध्यान देना, येलो पी पी टी का यहाँ फॉर्मेशन होगा, बना लीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ए जी आई बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ में तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हो गई है, ये पूरा का पूरा एल्किल हैलाइड क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है तुम्हारे पास। अब जब अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, एरिल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड कंप्लीट हो गया आज तक की क्लास में, अब हम बात करेंगे एरिल हैलाइड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एरिल हैलाइड के बारे में बात करेंगे। तो अब अपना टॉपिक क्या रहेगा, अपना टॉपिक रहेगा एरिल हैलाइड। मेंशन कीजिए एरिल हैलाइड या हेलोबेंजीन। एरिल हैलाइड या बोलेंगे अपन हेलोबेंजीन, और क्या बोलेंगे इसको, हेलोबेंजीन। एरिल हैलाइड या क्या बोलेंगे इसको, हेलोबेंजीन। और क्या है ये हेलोबेंजीन या एरिल हैलाइड, ये है भी तुम्हारे पास में यहाँ पर है एक्स। ठीक है, ये जो एक्स है वो क्या हो सकता है, सी एल हो सकता है, बी आर हो सकता है, आई हो सकता है, एफ बी हो सकता है, देख लेंगे अपन टाइम टू टाइम। बना लीजिए एक बार इसको, ठीक है। अब मेंशन कीजिए इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन निर्माण की विधियां,
और इसमें फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम हैलोजिनेशन। हैलोजनीकरण के द्वारा ठीक है। हैलोजिनेशन में क्या देखेंगे कि जब तुम्हारे पास में ये बोलेंगे व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एक्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस एल सी एल थ्री या एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू देन हेलो बेंजीन विल बी फॉर्म। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखना व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ एक्स टू इन द प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रस जेड एन सी एल टू देन हेलो बेंजीन विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना जब बेंजीन की अभिक्रिया एन हाइड्रस ये निर्जल जेड एन सी एल टू की उपस्थिति में जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल जेड एन सी एल टू की उपस्थिति में एक्स टू के साथ करवाई जाती है तो हेलो बेंजीन का निर्माण होता है। मैकेनिज्म देखिए इसमें क्रियाविधि देखिए। ये जो X2 है वो ZnCl2 के साथ में जब रिएक्शन करेगा तुम्हारे पास में बनता है यहाँ X प्लस प्लस ZnCl2 माइनस। फिर क्या होता है ये जो तुम्हारे पास में बेंजीन है ये इस X प्लस के साथ में रिएक्शन करेगी। ये यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे बना X, ये क्या है पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर चला गया जिससे तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। बना लीजिए इसको बना लिया। सेकेंड मेंशन कीजिए बाय डाइएजोनियम सॉल्ट फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। सेकेंड आप मेंशन कीजिए फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। हिंदी मीडियम वाले की क्या मेंशन करेंगे बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा एजोनियम लवण के द्वारा बेंजीन डाइएजोनियम लवण के द्वारा ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट जो रिएक्शन इसके अंदर सेंड में रिएक्शन सेंडमेयर रिएक्शन फर्स्ट जो रिएक्शन देखेंगे अपन वो देखेंगे सेंडमेयर रिएक्शन देखेंगे ठीक है। सेंडमेयर अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया और इस सेंडमेयर रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो तुम्हारे पास में C6H5
एन टू प्लस एक्स माइनस है, ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट है। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो हमने किसके साथ में करवाई, यहाँ पर रिएक्शन में करवाऊँगा एच एक्स के साथ में रिएक्शन करूँगा, लेकिन जो प्रजेंस में लूँगा वो लूँगा सी यू सी एल ले लूँ, और यहाँ पर क्या ले लूँ सी यू सी एल टू ले लूँ, यानी कि इस में होगा सी यू प्लस फॉर्म में, यहाँ पर सी यू प्लस टू फॉर्म में, दोनों में से कोई सब कुछ भी ले सकते। इसके साथ में लेता हूँ तो तुम्हारे पास में यहाँ पर ये एच एक्स, ये जो समझना है एच एक्स जो है वो हो सकता है एच सी एल हो सकता है ये एच बी आर हो, ये बात को समझना होगा आप लोगों को। तो तुम्हारे पास में क्या बना सी सिक्स एच फाइव, यहाँ एक्स एक्स जो है वो है सी एल या बी आर, ये बना लीजिए एक बार। बना लिया होगा, मैकेनिज्म देखिए इसकी, मैकेनिज्म क्रियाविधि की बात करते हैं। क्या होगा जो सी यू सी एल है वो एच सी एल के साथ में मान लीजिए रिएक्शन किया, समझना बात को। तो यहाँ पे बना क्या है, यहाँ पे बना सी यू सी एल टू नेगेटिव। फिर क्या करेंगे तुम्हारे पास में सी सिक्स एच फाइव, यहाँ पर है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सी यू सी एल टू के साथ में रिएक्शन किया नेगेटिव है, ये यहाँ से बाहर निकला, आई बात समझ बाहर निकला। तो ये क्या करेगा तुम्हारे पास में, इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सी यू सी एल टू माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिससे बना सी सिक्स एच फाइव यहाँ रेडिकल एन टू, और बना सी यू सी एल टू, ये बना ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा जो ए आर मतलब जो सी सिक्स एच फाइव रेडिकल है, सी सिक्स एच फाइव यहाँ पर रेडिकल आया है सी यू सी एल टू के साथ में रिएक्शन करेगा, यहाँ से सी एल रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करे, तो ये क्या बना सी सिक्स एच फाइव यहाँ पर बना सी एल प्लस सी यू सी एल, ये इसकी मैकेनिज्म है, बना लीजिए एक बार सेंड में रिएक्शन। चले आगे, इसी के अंदर सेकंड में कीजिए गाटरमान रिएक्शन, सेकंड में कीजिए गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान अभिक्रिया
गाटरमान अभिक्रिया। और इस गाटरमान रिएक्शन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो तुम्हारे पास में है ये जो C6H5 मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है N2+ X- है, यहाँ पर हमने HX के साथ में रिएक्शन की। HX जो है वो HCl हो सकता है या HBr हो सकता है, इसके ऊपर ध्यान देना। और यहाँ पर ये है कॉपर पाउडर, मतलब कॉपर पाउडर यहाँ मेंशन होगा। कॉपर पाउडर हो या तुम्हारे पास में कॉपर हैलाइड हो, कॉपर हैलाइड होगा तो सेंड में रिएक्शन होगी, और कॉपर पाउडर होगा तो तुम्हारे पास में गाटरमान रिएक्शन होगी। यहाँ होगा C6H5X, ये जो X है वो हो सकता है Cl हो सकता है ये Br, बना लीजिए ये गाटरमान रिएक्शन है। बना लिया गया था। नेक्स्ट मेंशन कीजिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फ्रॉम ब्रोंडाइन हंस डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड मेंशन कीजिए फ्रॉम ब्रोंडाइन हंस डीकर, या इसको मेंशन ऐसे मेंशन कीजिए ब्रोंडाइन हंस डीकर, तो मैं इसको बाद में लिखवा दूंगा। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसमें मेंशन करना व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो लिखना व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 सॉल्वेंट देन हेलोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन नोन एज ब्रोंडाइन हंस डीकर रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन नोन एज ब्रोंडाइन हंस डीकर रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन नोन एज ब्रोंडाइन हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवणकीय अभिक्रिया CCl4 विलायक की उपस्थिति में X2 के साथ करवाई जाती है तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है तथा इस अभिक्रिया को ब्रोंडाइन हंस डीकर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ब्रोंडाइन हंस डीकर अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मैकेनिज्म देखिए,
C6H5CO O- और यहाँ पर है Ag, ठीक है। Ag+ सबसे पहले क्या हुआ, Cl ने रिएक्शन की तो तुम्हारे पास में बना C6H5 CO O और Cl। फिर यहाँ पर फोटोकेमिकल रिएक्शन हुई और ये यहाँ पे तो तुम्हारे पास में बना C6H5 CO O- और रेडिकल, और यहाँ पर बना Cl रेडिकल। आई बात समझ। फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें होगा C6H5 CO और ओ रेडिकल, यहाँ से ये हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ, हाफ रेडिकल यहाँ, तुम्हारे पास बना C6H5 रेडिकल + CO2। फिर जो C6H5 रेडिकल है वो रिएक्शन करेगा किससे, जो अब तक तुम्हारे पास में वो बन चुका है, मतलब C6H5 CO O Cl ये बना हुआ है, इससे C6H5 रेडिकल ने रिएक्शन की, ये हाफ यहाँ, ये हाफ यहाँ, इसके साथ में जब ये रिएक्शन होगी तो बना है तुम्हारे पास में C6H5 CO O रेडिकल + C6H5 और Cl। बना दीजिए, ये इसका मैकेनिज्म। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन कीजिए फोर्थ रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड by decarboxylation of halogenated sodium salt of carboxylic acid। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हेलोजिनेटेड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि तुम्हारे पास में ये मेंशन है, ये है, ये 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 Na, और मान लीजिए इसकी इस पे पोजीशन है Br, यहाँ मेंशन है, इसकी सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। सोडा लाइम होता क्या है, NaOH + CaO के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसे में देता हूँ Br यहाँ। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे सर ये यही Br बना देता हूँ, चलो कन्फ्यूजन, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। होता कैसे है, इसमें मैकेनिज्म देखिए।
बना लेंगे यहाँ तक। चले आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए बाल सीमान रिएक्शन। नेक्स्ट मेंशन कीजिए बाल सीमान रिएक्शन। बाल्ज सीमान रिएक्शन, और ये बाल्ज सीमान रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होगा? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा बाल्ज सीमान रिएक्शन। तो इसमें लिखना व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ बीएफ थ्री एंड एचएफ then फ्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन नोन एज बाल्ज सीमान रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, जब बेंजीन डायजोनियम लवणकीय अभिक्रिया BF3HF के साथ करवाई जाती है तो फ्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, तथा इस अभिक्रिया को बाल्ज सीमान अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है सॉरी भाई, थोड़ी सी तबीयत नाजुक चल रही है, ठीक है ना, यहाँ पे है N2+X- है, ये BF3+HF क्या कर सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BF4-। तो ये क्या करेगा, यहाँ रिप्लेसमेंट करेगा, इसका रिप्लेसमेंट करेगा, तो तुम्हारे पास में होगा यहाँ पर N2+ और BF4 यहाँ पर क्या माइनस। फाइनली ये क्या करेंगे, थर्मल जैसे कंडीशन में यहाँ पर लूँगा, थर्मल कंडीशन लूँगा, तो ध्यान देना ये यहाँ से BF4 जो माइनस होगा, समझना बात को, कि ये BF4 माइनस क्या करेगा, इस N2 को यहाँ से बाहर निकालेगा, N2 को बाहर निकालेगा तो यहाँ पे जुड़ेगा, मतलब F के द्वारा अटैक करवाएगा ये, साथ में यहाँ जुड़ेगा N2+ और BF3 बाहर निकल जाएगा। ये बना लीजिए, ये रिएक्शन हो गया। बना लो भैया फटाफट। चलिए अब आगे, नेक्स्ट मेंशन कीजिए आयोडोनेशन। आयोडीकरण
आयडोनेशन में क्या है, आयडो बेंजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कि इसमें लिखना, व्हेन बेंजीन डायोजोनियम सोल्ट रिएक्ट विथ के आई, रिएक्ट विथ के आई, ये के है के बी आर, ये लेंगे तो नहीं बनेगा। व्हेन बेंजीन डायोजोनियम सोल्ट रिएक्ट विथ के आई देन आयडो बेंजीन विल बी फॉर्म, आयडो बेंजीन विल बी फॉर्म, बना लीजिए आयडो बेंजीन विल बी फॉर्म। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, व्हेन बेंजीन डायोजोनियम लवणीय अभिक्रिया के आई के साथ करवाई जाती है तो आयडो बेंजीन का निर्माण होता है, तो आयडो बेंजीन का निर्माण होता है, आयडो बेंजीन का निर्माण होता है। आयडो बेंजीन का निर्माण होता है, आई बात समझ में। लास्ट रिएक्शन है फ्रॉम फ्रॉम लास्ट रिएक्शन है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल के द्वारा। वो लिखना कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ PCl5 देन क्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म, क्लोरोबेंजीन विल बी फॉर्म। जब फिनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ में करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। आई बात समझ में। तो आपने देखा होगा आज की क्लास में मैंने क्या देखा है, इसके अंदर हेलोबेंजीन के बारे में मैंने बात की। अभी हेलोबेंजीन में मैंने आयडो का भी फॉर्मेशन किया है, फ्लोरो सब का फॉर्मेशन किया है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसकी केमिकल रिएक्शन के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? केमिकल रिएक्शन के ऊपर।